एस रिया यादव, आप देख रहे हैं वाराणसी के सिग्रा स्टेडियम में आयोजित वाराणसी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। वाराणसी जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में रविवार 26 सितंबर को एक दिवसीय डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन सिग्रा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भाजपा नेता व लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर अशोक राय तथा दीपक बहल, आरपी सिंह, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव आदि रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ RSO वाराणसी आरपी सिंह तथा श्रीमती सरिता विश्वनाथ गोकर्ण के द्वारा हुआ। प्रतियोगिता में कुल 52 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डॉक्टर अशोक राय, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी हॉस्पिटल रोडवेज कैंट वाराणसी। और जो है ये आज यहाँ पे वाराणसी टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा जो बच्चों को ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, इसमें सरिता जो गोकर्ण जी के द्वारा और भी पवन पांडे जी सब लोग करा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि पहले हर तरह का खेल कूद जो है होता रहता था, जिससे बच्चों को अभ्यास करने का यानी प्रैक्टिस का भी मौका मिलता है। अगर कोई गेम होता है, टूर्नामेंट होता है, तो वो आगे उसी तरह बढ़ने का एक रास्ता बनता जाता है और अपने कमियों को सुधारते रहते हैं लगातार गेम या टूर्नामेंट होने की वजह से। जो कि ये COVID-19 इन्फेक्शन की वजह से ये उसमें बाधा आ गया था, क्योंकि पूरे दुनिया में लोग एक वैश्विक महामारी से परेशान थे। और अब ये धीरे धीरे जो है अब लोगों को दोनों वैक्सीन लग गया है और काफ़ी लोग सतर्क रह रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, इसके वजह से अब धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ रही है। तो हमें चाहिए कि कुछ सभी लोगों को आगे बढ़ करके इस तरह का टूर्नामेंट समय समय पर कराते रहना चाहिए, क्योंकि इससे इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होता है, बच्चों में भी होता है। जो अगर ये टूर्नामेंट अरेंज करता है वो भी मेहनत करता है, उसका भी एक्सरसाइज होता है। तो इस तरह से ले दे के सब न किसी न किसी तरह का कि सबका व्यायाम होता रहता है और लोग स्वस्थ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनको काफ़ी मौका मिलता है अपने खेल में सुधार लाने का। इसलिए हर प्रकार का गेम टेबल टेनिस के साथ साथ और गेम को भी इसी तरह होते रहना चाहिए, जिससे हमारे वाराणसी ज़िले के, प्रदेश के और देश के बच्चे आगे से आगे बढ़ने का उनको मौका मिले। मैं दीपक कुमार बहल, उत्तर प्रदेश क्रेडई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और भूतपूर्व कप्तान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हूँ टेबल टेनिस का। और मैंने एक नेशनल्स, रेलवे का नेशनल्स भी इंडिविजुअल जीता हुआ है 80s में। और इवेंट को अरेंज करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक के बावजूद इतने अच्छे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैं एक खिलाड़ी रह चुका हूं और टेबल टेनिस का ही खिलाड़ी रह चुका हूं, तो मुझे एहसास है कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ टूर्नामेंट एक्टिविटी होने पे कितना मोटिवेशन मिलता है और कितना परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। मैं उन सारे खिलाड़ियों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, उन सबको बधाई देता हूँ। इमेटीरियल है कि कोई जीता कोई हारा, पर पार्टिसिपेट करना स्पोर्ट्स में बहुत ही
बड़ी बात है और मैं विजेताओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं सरिता विश्वनाथ गोकर्ण बनारस टेबल टेनिस एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ, यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन के सिलेक्शन कमेटी में हूँ, वुमेंस कमीशन की चेयरमैन हूँ और यहाँ पे ये टूर्नामेंट चूँकि कोरोना था इसलिए बहुत दिन से नहीं हुआ। अब मेरा स्टेट चैम्पियनशिप और रैंकिंग होने वाला है तो बहुत जल्दी के लिए हमें एक ही दिन का टूर्नामेंट कराना भी ज़रूरी था क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन भी ये था। हमारे यहाँ से लास्ट ईयर अभी एक पार्थ प्रभाकर है जो कि इंडिया नंबर 2 है और अभी हमारा रैंकिंग सुल्तानपुर में और स्टेट चैम्पियनशिप आगरा में है। उसके पहले ये टूर्नामेंट इसीलिए हमको कराना पड़ा और आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अशोक राय जी हैं, दीपक बहल जी हैं और बाकी यहाँ 50 से 52 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सब ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है और आगे इन लोगों के भविष्य के लिए मैं इन ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ से हमारे इतने बच्चे निकले। मैं खुद ही 18 नेशनल खेली हुई हूँ, मैं भी यूपी चैम्पियन थी तो यहाँ से हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलें और हमें यहाँ एक अच्छे कोच की ज़रूरत है तो वो कोच प्रोवाइड हो जाएगा तो यहाँ से बच्चे और भी ज़्यादा निकलने की कोशिश करेंगे। आज का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेशन है उसमें सबसे ज़्यादा हमें लक्ष्मी मेडिकल मिस्टर अशोक राय जी ने स्पॉन्सर किया है ट्रॉफी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम लोग ट्रॉफी टी शर्ट्स जो भी हैं प्राइजेस वो देंगे। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ लगा कि एक 6 साल का बच्चा जो एकदम उछलता कूदता और उनके पेरेंट्स को भी इतना माने वो भी इतने उत्सुक हैं कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ करे तो वो छोटे से बच्चे को हम लोगों ने एक उभरते हुए खिलाड़ी के उस रूप में चुना है जो आगे जाकर के बनारस का नाम क्या इंडिया का नाम जरूर करेगा, ये मेरा दावा है। मैं विनय कुमार राय मंडल टेबल टेनिस कोच, मैं 2012 से मंडल की सेवा कर रहा हूँ पूरे सोनभद्र गोरखपुर और आपका ये सारे, इसमें से कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर निकले और इंडिया रैंक 2 भी प्लेयर हम लोगों ने निकाले। अभी पार्थ प्रभाकर के रूप में मौजूद है ये सिगरा स्टेडियम में, हमारी एकेडमी भी चलती है, सारे स्कूलों से हमारा टाई अप है। जब से हम लोग लग के काम कर रहे हैं तब से टेबल टेनिस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सरिता गोकरण मैम हम लोग अनुराग भैया मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर बनर्जी सर जो हमारे अमित भैया हैं लखनऊ में, ये लोग मिल के हम लोग को इतना सपोर्ट करते हैं कि आज हमारे टेबल टेनिस में बनारस का बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है। हम बनारस के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को निकालें और टेबल टेनिस में खिलाएं, बहुत अच्छा गेम है। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि उनका बच्चा अच्छा खेले। आज बहुत सारे स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे आप लोग के सामने रैकेट पकड़ के खेल रहे हैं और आपने बताया कि फिट नहीं किया डिफी फाइट किया कमल जो है मिलांग को भी फाइट किया तो मतलब एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी निकल रही है। बच्चे इतने अच्छे टेबल टेनिस को, पहले टेबल टेनिस फॉरन का गेम था चाइना का गेम था लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर हम लोग ख़त्म करेंगे पूरे जितने पैडलर्स हैं, अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा खेल रहे हैं हमारे बनारस मंडल में, सारे मंडल के कोच लगे हुए हैं। बनारस मंडल में एक समय में टेबल टेनिस ख़त्म था लेकिन आज के समय आपके सामने इतने पैडलर्स मौजूद हैं, देख के अच्छा लगता है। आप लोग को भी देख के अच्छा लग रहा होगा कितने छोटे छोटे बच्चे रैकेट पकड़ के आके खेल रहे हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स से खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।